हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन एंड योर स्टडी मस्ट बी गोइंग ऑन वेल। हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंग्लिश में हम लोग कम्प्रिहेंशन पैसेज भी कर रहे हैं, साथ के साथ पैडागॉजी के भी पोर्शन करके चल रहे हैं। यानी दोनों में अच्छी पकड़ बने तभी इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और समय भी बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो जितना हो सके आप अपने छूटे हुए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, साथ का साथ आप प्रीवियस ईयर और मॉडल सेट को भी लगाइए ताकि अच्छा स्कोर आप कर पाएँ एग्जाम में। इंग्लिश की बात करें तो पेडागॉजी सेक्शन कुछ ऐसा होता है जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इस लैंग्वेज के अलग ही होते हैं। मतलब हमें अगर ये कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो उनको आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अगर हमने उनको कभी देखा नहीं है, उनके बारे में सुना नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, भले ही हमारा बैकग्राउंड कितना भी इंग्लिश का बना रहे। ठीक है, तो चलिए उन्हीं को हम बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे, आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें बता के उनको क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आएगा और आपके एग्जाम के लिए भी ये फायदा करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, द टास्क ऑफ रीडिंग इज कंप्लीट इफ बी। मतलब जो पढ़ने का काम होता है वो कब पूरा होता है, मतलब जो भी अगर हम एक होता है एल एल एस आर डब्ल्यू, ये चार स्किल्स होती है लैंग्वेज में, आप सभी इनको जानते होंगे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहां पर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बात कर रहा है रीडिंग की। तो एक रीडिंग को कंप्लीट कब समझा जाता है ये बात है, और आप सभी जानते होंगे रीडिंग तभी कंप्लीट होती है जब उसको समझ के पढ़ा जाए। आप किसी चीज को पढ़ते चले जा रहे हैं एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज और थिंग, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर होगा, पहला देखिए, सिंपली डिकोड साउंड ऑफ लेटर। क्या हम डिकोड करने बैठे, मतलब उनका उनको अर्थ डिकोड डिसाइफर होता है किसी कूट भाषा को समझ लेना। तो क्या हम डिकोड करने के लिए बैठे हैं साउंड्स को और लेटर्स की साउंड को डिकोड करने बैठे, रीडिंग का ये पर्पज तो नहीं हो सकता है कि केवल हम साउंड सीखने गए वहां पर। ठीक है, प्रोनाउंस द प्रिंटेड वर्ड्स करेक्टली, क्या हम प्रोनाउंसिएशन सीखने गए वहां पर, आप भी समझते हैं कम से कम रीडिंग का पर्पज प्रोनाउंसिएशन तो नहीं होता है केवल। ठीक है, गो थ्रू द टेक्स्ट विद कंप्रिहेंशन, टेक्स्ट को कैसे, गो थ्रू द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर टेक्स्ट उसको विद कंप्रिहेंशन मतलब समझ के साथ पढ़ें, और यही सबसे मेन पर्पज होता है रीडिंग का। तो रीडिंग के साथ जो सबसे ज्यादा रिलेटेड जो इसकी एक स्किल है या क्वालिटी है जो उसके साथ अटैच्ड होती है वो होती है रीडिंग विद कंप्रिहेंशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्या है, जस्ट गो टू थ्रू नहीं होने विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं, और अभी शुरुआत है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है जो आपके ये पढ़े हुए कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन आगे के क्वेश्चन नए मिलेंगे आपको, थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो नई अप्रोचेज वाले क्वेश्चन होंगे, मेथड्स वाले क्वेश्चन होंगे जो जरूरी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्पेस में भरना, इज लर्नड इन अ फॉर्मल सेटिंग विद द हेल्प ऑफ अ टीचर। ठीक है, हम लैंग्वेज की ही बात कर रहे होंगे, तो लैंग्वेज को कैसे एक फॉर्मल सेटिंग के अंतर्गत सीखा जाए और किसकी मदद से, टीचर की मदद से, तो ऐसे सीखने को क्या कहते हैं। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग दो तरह से होती है, अगर हम बात करें दो तरह से होती, पहला होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, और दूसरा होता है लैंग्वेज लर्निंग। इन दोनों बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, भाषा जब हम स्वाभाविक तरीके से अपने परिवेश में रहकर सीखते हैं, स्पेशली ये चीज लागू होती है अपनी मदर टंग पे, मतलब मातृभाषा, जब हम भाषा को एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहकर अपने वातावरण में रहकर उसको सीखते हैं, तो उस तरह का जो स्वतः अधिगम होता है उसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। इसके लिए हमें किसी प्रयास की जरूरत बहुत बड़े नहीं पड़ती है, ना ही किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई टीचर की जरूरत पड़ती है, हमारा परिवेश ही पर्याप्त होता है भाषा को सिखाने के लिए या धारण करने के लिए, तो इसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, दूसरा होता है लैंग्वेज लर्निंग, जब हम किसी टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, मतलब लाइक फॉरेन लैंग्वेज, जब हम किसी टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं तो वहां पर जो भाषा का सीखना होता है वो एक विधिवत सिस्टमेटिक वे में होता है।
एक प्रॉपर किसी पर्सन द्वारा हमें गाइड किया जाता है और तब हम भाषा को सीखते हैं किसी ना किसी मेथड के माध्यम से। तो उस तरह का जो सीखना होता है वो लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत आता है। पहले की जो सीटेस एग्जाम हुई थी वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी भाषा है जो फॉर्मल सेटिंग में, तो जाहिर सी बात है फॉर्मल सेटिंग में किसको सीखेंगे, किसी ना किसी फॉरन लैंग्वेज को सीखेंगे या कोई जो भी आपकी सेकेंड लैंग्वेज होगी उसको सीखेंगे। तो ये होता है सेकेंड लैंग्वेज के लिए, ये होता है सेकेंड के लिए और ये होता है मदर टंग के लिए, ठीक है, जो मदर लैंग्वेज होती है मदर लैंग्वेज के लिए। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज इज लर्न्ड इन ए फॉर्मल सेटिंग विद द हेल्प ऑफ अ टीचर। ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ 3 मंथ, देखिए कुछ नई चीज आई है हमारी, उसको देखते हैं। 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, देखिए हाल ही के समय में, हाल ही के क्या कहें कि जब से ये नई जो शिक्षा नीति हमारी आई है तब से जो स्कूल्स होते हैं उसमें जो ग्रेड वन के स्टूडेंट होते हैं, ग्रेड वन के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो शुरुआत में एक कार्यक्रम टाइप का चलाया जाता है जिसको हम कहते हैं विद्या प्रवेश। क्या कहते हैं? विद्या प्रवेश कहते हैं, विद्या प्रवेश। इसमें क्या होता है बच्चों के साथ जब भी बच्चे शुरुआत में आते हैं तो सिर्फ उनके साथ एक्टिविटीज करी जाती है, गतिविधियां करी जाती हैं ताकि बच्चे एटमॉस्फेयर से जुड़ पाए क्योंकि वो घर के एटमॉस्फेयर से आते हैं। वहां पर बच्चों को ढेर सारा परिवेश खेलने वाला होता है, उनके पास पड़ोस बच्चे और साथ के साथ उनके माता पिता भी और घरेलू लोग, ठीक है। तो उस एटमॉस्फेयर से आप डायरेक्ट विद्यालय में उसको लाते हैं तो वहां पर भी अगर सीधा आप उनको सिखाने पे तुल जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा उसका उस तरह से अटैचमेंट वहां विद्यालय में नहीं हो पाएगा, यानी उसका छोड़ने का भी मन करेगा, ठीक है, तो नेचुरल वे में वो सीख नहीं पाएगा। तब उसी के लिए ये चलाया गया है कि उनको निर्धारित सप्ताह होते हैं जिसमें बच्चों के साथ डे टू डे एक्टिविटीज कराई जाती है टीचर्स के द्वारा और बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल एटमॉस्फेयर में सीखते हैं। तो वो कहाँ से अवधारणा, मतलब उसकी रिकमेंडेशन कहाँ से आई है, तो NEP 2020 यानी 2020 से आई है जो हमारी नई शिक्षा नीति है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको पूछा था। नेक्स्ट देखिए, अगला है होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखिए होलिस्टिक से मतलब क्या होता है, जब होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, जब सब कुछ साथ में लेके चला जाए, है ना। होलिस्टिक से मतलब होता है जब कई चीजों जो दायरा है उसको व्यापक रूप में देखा जाए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट मींस क्या होता है, इसका मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एबिलिटीज, की जो इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटीज है उनका विकास किया जाए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल एंड सोशल एबिलिटीज। अगला देखते हैं इंटेलेक्चुअल इमोशनल सोशल, और डी है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल फिजिकल इमोशनल सोशल। आप सभी जानते होंगे कि जब तक बच्चे का शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक और इसके बाद नैतिक साथ साथ सामाजिक विकास नहीं होगा तो आप उस तरह के विकास को पूर्ण विकास नहीं कह सकते हैं। तो विकास में ये जितनी भी आयाम है ये सभी शामिल होते हैं और विकास इनका आपस में इंटर रिलेटेड भी होता है। एक तरह का आयाम दूसरी तरह से कैसा होता है, किसी ना किसी वे में रिलेट होता है और ये सब साथ के साथ चलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को ही क्या कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच बोला जाता है, ठीक है। चलिए, और किसी भी टीचर को भी या घर के जो भी सदस्य होते हैं उनको भी बच्चे के इन सभी पक्षों पर या डोमेन्स पे वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी बच्चे को आप बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग करते जा रहे हैं और उसको इमोशनली वीक या इमोशनली उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या यूं कहें सोशली वो जो सोशल हमारे एस्पेक्ट होते हैं उनको वो नहीं समझ पा रहा है, तो ये फिर सही बात नहीं होगी। कहने का मतलब सबको लेकर साथ चलना चाहिए। अगला देखिए, इन द क्लास द टीचर होल्ड्स वन बिग बुक। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। एक जो टीचर होता है वो क्लास में एक बड़ी बुक को रखता है, ठीक है, उसको बताएंगे अभी। अब एंड द होल क्लास रीड्स फ्रॉम द सेम बुक, और पूरा क्लास उसी बुक से पढ़ता है। दिस इज द एग्जांपल। आप देखिए, अब स्कूलों में क्या होता है कि वहां पर कुछ बिग बुक्स, उनका नाम भी बिग बुक ही होता है, उनका नाम भी स्पेशली बिग बुक ही रखा जाता है, और इसमें स्टोरीज होती है, पोएम्स होती है, और ये विद फिगर्स होते हैं। कैसे, मतलब फिगर्स इसमें बने होते हैं, अच्छे खासे प्रिंटेड होती है ये, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाई जाती है, और इनमें जो स्पेशली इनका एक और गुण होता है, जो अक्षर होते हैं बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं या यूं कहें बोल्ड होते हैं। तो इस तरह की बुक्स
जब बिग बुक बोला जाता है तो बिग साइज में भी ये होती है, जब टीचर लेके बैठता है तो पूरा एक्चुअली मान लीजिए वो सर्कल में बैठ गया तो बच्चे उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं, हम एलिमेंट्री क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर बैठ जाते हैं, तो अब टीचर साथ साथ का पढ़ता है, बच्चे भी वहीं पर साथ में उसके पढ़ रहे होते हैं, तो चीजें वो वहीं पर इंडिकेट कर करके टीचर पढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं वो किस किस तरह के पठन की ओर बताते हैं, तो इसको हम कहते हैं शेयर्ड रीडिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? शेयर्ड रीडिंग कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बिग बुक टाइप का पढ़ाना या टीचर का किसी बुक में बच्चों के साथ पढ़ना या पढ़ाना सीखना या सिखाना किस तरह की रीडिंग कहलाती है, तो वो शेयर्ड रीडिंग कहलाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं लाउड रीडिंग फिर क्या होती है। अगर लाउड रीडिंग की बात आ जाए तो फिर ये क्या होगी, देखिए जब किसी चीज को किसी टेक्स्ट को तेज तेज से या किसी लेसन को तेज तेज से पढ़ा जाता है तो उसको लाउड रीडिंग कहते हैं, लेकिन इसके भी अपने पर्पज होते हैं, जैसे कि प्रोनंसिएशन स्किल बच्चे की सुधारना, उसकी वोकैब्स डेवलप करना, साथ का साथ पढ़ने में उसका इंटरेस्ट बनाना, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? लाउड रीडिंग के अंतर्गत आता है। जब लाउड रीडिंग हो रही होती है तो आप भी जानते होंगे एक्टिव रूम में बच्चे सीख रहे होते हैं, सीखने से मतलब है वो पैसिव नहीं हो सकते हैं, आप अगर तेज से बोलोगे तो आपकी मैक्सिमम सेंसेस भी काम करेंगी और आप एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट भी उन चीजों में करोगे, तो ये भी पठन का एक हिस्सा होता है लाउड रीडिंग। साइलेंट रीडिंग की बात करें तो अपना इसका एक खुद ही महत्व होता है, साइलेंट रीडिंग का सबसे मेन पर्पज होता है यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर मीनिंग, अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो उसको आप समझ के पढ़ रहे हो, कम से कम आपका कॉग्निशन जो लेवल है वो बढ़ रहा है, उसको समझ के आप चीजों को चल रहे हो, तो साइलेंट रीडिंग अपने आप में बहुत ही अच्छी मानी जाती है एक स्तर पर पढ़ने के लिए, कि आप चीजों को जब समझ के पढ़ना चाह रहे हैं और आप ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो वहां पर आप किसका यूज कर सकते हैं? साइलेंट रीडिंग। और ये भी रीडिंग का एक हिस्सा है जो कि लेसन प्लान में होता है और बच्चों से करवाया जाता है, ये दोनों हिस्से होते हैं। इंटेंसिव रीडिंग ये होता है जब आप किसी पर्पज के द्वारा, मतलब इंटेंशन उसी से ही वर्ड आया है, जब आप पर्पजली किसी चीज को पढ़ते हैं, मतलब आपका पढ़ने पढ़ाने का कोई उद्देश्य होता है, निर्धारित उद्देश्य होता है, तो इस तरह की रीडिंग को क्या कहते हैं? इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी, किसी चीज को आप जानना चाह रहे हैं तब आप पढ़ रहे हैं किसी चीज को, तो उस तरह की रीडिंग को क्या कहेंगे? इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण पठन ये हो जाएगा। ओके, आई थिंक इसमें और कुछ बचा नहीं है बताने के लिए, हो गया। अगला देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से हम क्लियर करके चल रहे हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहे हैं पेडागॉजी। अगर आप जैसे ये 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सिर्फ ये 15 क्लियर आपके नहीं होने वाले, आपकी एक कहते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच डेवलप होगी, आपको पूर्णता का ज्ञान होगा कि किस तरह से पेपर को हमें अटेंड करना है, किस तरह से उसको हमें देखना है। ठीक है, अ बिगिनर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, अगर आप कोई टारगेट लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को कोई सीखना चाहता है उस लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज बोला जाता है, इट माइट बी सेकेंड लैंग्वेज और फॉरन लैंग्वेज। ठीक है, अ बिगनर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज गिवेन मच मोर एक्सपोजर, एक्सपोजर मीन्स होता है उसको मौका देना, है ना, मौका देना या उसको अलाउ करना। ठीक है, एक्सपोज करते हैं, वैसे तो एक्सपोज करना प्रदर्शन करना भी होता है, डेमोस्ट्रेट भी होता है, ठीक है, किसी चीज को उजागर करना भी होता है, गिवेन मच मोर एक्सपोजर उसको अलाउड करते हैं किसमें? इन, देखेंगे किसमें, सो दैट शी ही कैन, या जो भी बच्चा है वो क्या कर सके, इंटरनलाइज मतलब ग्रहण कर सके द सिंटैक्टिक, दी सॉरी सिंटैक्टिक पैटर्न्स, रिदम, इंटोनेशन। ठीक है, यहां पर वो ये बात कहना चाह रहा है वो कौन सी स्किल है जिसको अगर अध्यापक कराए तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा या कि क्या चीज वो ग्रहण करेगा, वो उसका सिंटैक्टिक पैटर्न यानी कि रूल्स और रेगुलेशन सीखेगा, जो सिंटेक्स से निकल के आया है, रूल्स रेगुलेशन सीखेगा, कंस्ट्रक्शन या सेंटेंस का जो पैटर्न होता है उसको समझेगा, रिदम जानेगा और इंटोनेशन जो उसकी उतार चढ़ाव है उन चीजों को वो समझेगा जो ध्वनि में उतार चढ़ाव होता है। तो ये सभी चीजें आप सोच के देखिए, क्या लिसनिंग स्पीकिंग, क्या बोलते समय आप उतार चढ़ाव किसी का सीख सकते हैं या रिदम आप सीख सकते हैं? खुद आप बोल रहे हैं तो खुद नहीं सीख सकते, आप तभी सीख सकते हैं जब आप किसी चीज को सुन रहे होते हैं, तब आप उसके पैटर्न को समझ रहे होते हैं, रिदम को भी आप सुन रहे होते हैं और इंटोनेशन भी आप जान रहे होते हैं किस तरह से उस टेक्स्ट में उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है, बाकी रीडिंग राइटिंग ही नहीं होगा, तो यही हो जाएगा हमारा लिसनिंग। अगला देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है, लिसनिंग इज यूज्ड टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग, किस तरह का जो सुनना होता है ना, किस तरह का सुनना होता है वो हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है और क्या देता है, एक अंडरस्टैंडिंग देता है। अभी हमने आपको बताया था कि अभी पीछे वाले ही में बताया था कि किस तरह का पढ़ना होगा, इंटेंसिव पढ़ना होगा, कैसा होगा, इंटेंसिव। जब आप इंटेंसिव रीडिंग करते हो तब आपका पर्पज होता है किसी विशेष जानकारी को
किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करना, ग्रहण करना, तो वो इंटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है, लिसनिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लेंथेन, लिंगर ऑन, लंबा खींचना, उसको छोड़िए आप। फिलहाल देखिए एक्सटेंसिव क्या होता है और अटेंटिव क्या होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग होता है जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो रीडिंग होती है उसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। जैसे आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, साथ के साथ आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप बुक्स, कई सारी स्टोरीज वगैरह की बुक्स पढ़ रहे हैं, आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो ढेर सारा मटेरियल है, तो उस तरह के मटेरियल को पढ़ने के लिए किस तरह का पढ़ना यूज में किया जाता है, एक्सटेंसिव रीडिंग को यूज किया जाता है, ठीक है। और पिछले पेडागॉजी की क्लास में भी हमने इसको कायदे से बताया था, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है और डिटेल्ड रीडिंग क्या होता है, स्किपिंग भी बताया था, स्कैनिंग भी बताया था, सब कुछ बताया था उसमें, ठीक है। अगला है अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब होता है जब आप एक्टिव होके पढ़ो, एक्टिव होके, सॉरी यहाँ लिसनिंग की बात हो रही है, हम पढ़ने पे, वो दोनों जगह लागू होता है, ठीक है। अटेंटिव लिसनिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को अटेंटिव वे में पढ़ते हैं, मतलब एक्टिव रूप में पढ़ते हैं, तो उस तरह को क्या कहते हैं, एक्टिव बोलते हैं। यहाँ पर क्या एक्सटेंसिव रीडिंग बोल गए थे, देखिए चाहे वो रीडिंग हो या लिसनिंग हो, बात एक ही है, फिलहाल उसका मतलब यही है जब आप किस तरह से आप ज्यादा वल्क में पढ़ते हैं चीजों को या सुनते हैं, तो वहां पर एक्सटेंसिव मतलब होता है, बाकी इंटेंसिव का मतलब होता है स्पेसिफिक भविष्य, दोनों जगह ये लागू होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिसनिंग में ही लागू होगा, रीडिंग में भी लागू होता है अन्य चीजों में, ठीक है। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राइटिंग द स्टूडेंट इज गिवन एम्पल, एम्पल माने पर्याप्त होता है, प्रैक्टिस ऑन वन एस्पेक्ट, किसी एक एस्पेक्ट पे प्रैक्टिस करने के लिए उसको मौका दिया जाता है, राइटिंग वाइल अदर एस्पेक्ट रिमेन फिक्स, जबकि कुछ अन्य जो बाकी पहलू होते हैं वो फिक्स रहते हैं, क्लोज रहते हैं। आप किसी बच्चे को इतना मौका दें कि आप ये तो लिख सकते हो, यानी इस विषय पर इतना तो लिख सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते हो, तो जब आप किसी के दायरे को सीमित कर देते हैं तो तब वहां पर आप किस तरह का राइटिंग करवा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप समझ चुके होंगे कंट्रोल्ड राइटिंग होती है, आप बच्चों को पूरा मौका नहीं दे रहे हैं, आप एक वहां पर एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर रहे हैं जहां पर बच्चा रचनात्मक रूप से अपनी भी प्रतिभागिता सुनिश्चित करे, तो ऐसे एटमॉस्फेयर को क्या कहा जाता है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर बोला जाता है। फ्री होगा जब बच्चा, फ्री गाइडेड मतलब जब आप खुद बता बता के आगे करवा रहे हैं, और कंपोजिशन होता है कोई लेख वगैरह लिखना, वो आप जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ, किसका ये महत्वपूर्ण फीचर है किसका, इज दैट द लर्नर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली, जब सीखने वाला प्रॉब्लम को कलेक्टिवली सॉल्व करता है, ईदर इन पेयर्स और ग्रुप्स, अथवा पेयर और ग्रुप में सॉल्व करता है, तो इस तरह की अप्रोच को क्या कहते हैं, होल लैंग्वेज अप्रोच, ठीक है। जब भी लर्नर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कलेक्टिवली निकालता है, तो उस तरह की अप्रोच क्या कहलाती है, होल लैंग्वेज अप्रोच कहलाती है, जिसमें आपकी चारों मतलब LSRW सभी को समाहित करते हुए आप इसमें अप्रोच को लागू करते हैं पहली बार, ठीक है। अब यहाँ पर जो दी है ABC, इनको इनका क्या मतलब हुआ, देखिए बिहेवियरिस्ट अप्रोच ही कहती है कि अगर इसको बार बार यूज करके, मतलब डेली एनवायरमेंट की यहाँ पर बात होगी, अगर किसी की डेली एनवायरमेंट में कोई चीज बार बार यूज करके की जा रही है, यानी ये कंडीशनिंग पे, ये जो होती है अप्रोच, ये किस पे डिपेंड करती है, कंडीशनिंग पर, अनुबंधन पर डिपेंड करती है। जो बिहेवियरल अप्रोच है वो किस पे डिपेंड करेगी, कंडीशनिंग पे डिपेंड करेगी, अनुबंधन पे डिपेंड करेगी, मतलब किसी चीज को अगर हम जोड़ देते हैं और उसका बार बार वातावरण में प्रयोग करते रहते हैं, तो वो चीज हम ऑटोमेटिकली कैसा होता है, सीख जाते हैं, तो ये जो अप्रोच होती है बिहेवियरिस्ट लोगों की होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है, स्ट्रक्चरल होती है जब सिखाई जाने वाली लैंग्वेज को हम पैटर्न में सिखाते हैं, उसके सेंटेंसेस का एक पैटर्न होता है, वर्ड्स का एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में चीजें सिखाई जाती हैं, तो उस तरह की अप्रोच को हम स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन को बहुत फॉलो नहीं किया जाता है, उनकी चिंता नहीं की जाती है, सिर्फ जो सेंटेंस का होता है, सेंटेंस के पैटर्न या यूं कहें स्ट्रक्चर की बात की जा रही होती है, किसकी, स्ट्रक्चर की, यहाँ रूल्स की बहुत ज्यादा परवाह नहीं की जाती और पैटर्न का ध्यान दिया जाता है। एक ऐसा पीरियड जहां पर वर्ड्स एप्रोप्रिएट ऑर्डर में लगे होते हैं, तो उस तरह की जो लैंग्वेज सिखाने की अप्रोच होती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं,
ठीक है। तो अगर आपके आ जाए पेपर में स्ट्रक्चर अप्रोच क्या होती है, तो आप समझ जाइए जहां पर वर्ड्स को एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर में लगा के एक पैटर्न, जो एक निर्धारित पैटर्न हो, उस पैटर्न को सीखा जाए या बच्चों को सिखाया जाए, पैटर्न में लैंग्वेज सिखाई जाए, तो उस तरह की लैंग्वेज सिखाने की अप्रोच को कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, अगला आ जाएगा ऑडियो लिंगुअल अप्रोच। देखिए इसको आर्मी अप्रोच भी बोलते हैं, मतलब इसमें इसमें दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, स्पीकिंग और लिसनिंग पे, मतलब सुनो बोलो सुनो बोलो। तो ऑडियो लिंगुअल में वो होता ये है कि जब हम लैंग्वेज को बोल के और सुन के इस तरह से यूज करते हैं, तो लॉन्ग वे में जाकर ये ऑटोमेटिकली हम उस चीज को सीख जाते हैं। तो इस तरह की अप्रोच कहलाती है ऑडियो लिंगुअल अप्रोच। ठीक है, फुल लैंग्वेज अप्रोच आपको हमने बताई थी, ये भी कहीं ना कहीं जो है व्यवहारवादियों से ही प्रेरित है, ये अप्रोच भी ऑडियो लिंगुअल अप्रोच भी व्यवहारवादियों से प्रेरित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आर कैरीड आउट टू हेल्प द लर्नर्स मेमोराइज द कंटेंट। कौन सी ऐसी चीज है जो कंटेंट को मेमोराइज करती है? तो आप भी जानते हैं बच्चों से क्या कराए जाते हैं, ड्रिल्स कराए जाते हैं। अगर किसी चीज को याद कराना है, कंठस्थ कराना है, तो बच्चों से क्या कराई जाती है, ड्रिल्स कराई जाते हैं। ठीक है, देखिए सिमुलेशंस क्या होते हैं, जब एक जब मॉडल्स को रियल सिचुएशन में रख करके चीजें सिखाई जाती हैं, तो उसको हम सिमुलेशंस कहते हैं। एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे आप सपोज करो बच्चों को आप डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन बच्चों को आप ह्यूमन बॉडी के साथ कुछ करवाना चाह रहे हैं या सिखाना चाह रहे हैं, तो बॉडी के ही हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल जैसा होता है जो भी वो लैब वगैरह होती है, तो उसमें बॉडी को ही एक मॉडल के रूप में रखा जाता है और उसमें चीजों को एक रियल एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है और उसके साथ वहां पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाते हैं। तो इस तरह का जो सीखना सिखाना होता है वो किसके अंतर्गत आता है, सिमुलेशंस के अंतर्गत आता है, मतलब सिचुएशन को रियल वर्ल्ड से जोड़ के सिखाना। ठीक है, अगला आ जाएगा एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन होता है अनुमान लगाना, और कैसे, पिछले आंकड़ों पर अनुमान लगाना, जैसे इस साल जो इस दशक की पॉपुलेशन इतनी होगी किसी भी देश की, तो क्यों, क्योंकि पिछले दशक में इस प्रतिशत से ये ग्रो रहा, तो इस वजह से इस साल ये रहेगा, इस बार का मौसम ऐसा रहेगा क्योंकि आपने पिछले बार का मौसम ऐसा था, आपकी कंपनी को घाटा होगा क्योंकि पिछली बार इसका ये रिकॉर्ड रहा था। तो जब आप पिछले रिकॉर्ड्स की वजह से अनुमान लगा पाते हैं, तो उस चीज को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। ठीक है, कन्वर्सेशन वार्तालाप आपको पता ही है। अगला देखिए, नेक्स्ट है इन रूल्स ऑफ ग्रामर आर गिवेन प्रिस्क्रिप्टिवली एंड एक्सप्लेन टू द लर्नर्स। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे को क्या दिए जाते हैं, ग्रामर्स के रूल्स दिए जाते हैं और उसको एक्सप्लेन किया जाता है लर्नर को। तो आप समझ चुके होंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है जिसमें ये किस पे होता है, रूल बेस्ड होता है, ये रूल बेस्ड होता है, रूल बेस्ड होता है, इसमें इसमें बच्चे को रूल्स बताए जाते हैं ग्रामर को सिखाने के लिए, ट्रांसलेशन कराया जाता है उसको, उसकी मदर टंग का इस्तेमाल करके, मदर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, और मदर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसको टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो एक्चुअली ये क्या होता है, दो भाषाओं को एक दूसरे से जोड़ के भाषा सिखाने का जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें रूल्स की जरूरत पड़ती है और ये काफी ज्यादा बोरिंग और हेक्टिक होता है, सीखने सिखाने में बहुत लंबा समय लगता है और इसमें दिक्कत तो बनी ही रहती है क्योंकि बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है कि हम चीजों को एक डायरेक्ट वे में नहीं सीख पाता है, उसकी जो एक्सेंट होती है वही मैच नहीं कर पाती है, मदर टंग कुछ अलग बोलती है और जो फॉरेन लैंग्वेज होती है उसकी एक्सेंट अलग होती है, तो वो हमेशा ही गड़बड़ ही रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, बड़े बड़े देशों में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है ये मेथड। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फिर कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एक ऐसा रचनावादी कक्षा होती है जहां पर बच्चों को पूर्ण अवसर दिया जाता है उसके पूर्व ज्ञान का उपयोग करने का, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर नई नई चीजें सोचने का, विचारने का, और एक ऐसी कक्षा जहां पर बच्चे अध्यापक मिलकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, समस्याओं का हल ढूंढते हैं, बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है अपनी बात कहने की, इस तरह की कक्षा को कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बोलते हैं। ठीक है, अगला आ जाए डायरेक्ट मेथड। जब लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेट किए डायरेक्ट उसी लैंग्वेज जिसको सिखाना उसी लैंग्वेज में पढ़ाया सिखाया जाता है, तो इस तरह के जो मेथड होते हैं सिखाने वाले उनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं।
आप अगर इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में ही चीजें चलेंगी और आपको डायरेक्ट उसी से आगे बढ़ना होगा। आप उसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे कि इसका मतलब हिंदी में ये होगा तब बच्चा उसको समझे। तो डायरेक्ट मेथड कुछ इस तरह से वर्क करता। खामियां इसमें भी बहुत सारी होती हैं, चीजें इसमें भी दिक्कत होती है, वो एक अलग विषय हो गया, मेथड जब क्लास हो कभी तब। ऑडियो लैंग्वेज हमने आपको बता दिया, चीजें बोलने और सुनने पर डिपेंड होती है सबसे ज्यादा, ना कि लिखने और पढ़ने पर। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ वोकैश डेवलपमेंट और ऑडियो विजुअल में काफी अच्छा होता है, ऑडियो लिंगुअल में। आगे देखिए, अ क्लासरूम बेस्ड ऑन किस पर बेस है, चलिए बाद में देखेंगे। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, जहां पर अपॉर्चुनिटी मिल पाती है टू अंडरस्टैंड, समझने की, बेटर एंड क्रिएट नॉलेज, और जहां पर नॉलेज बच्चा क्रिएट करता है, जिन प्याज भी कहते हैं बच्चा स्वयं एक उसको लिटिल साइंटिस्ट कहा उन्होंने, मतलब एक नन्ना वैज्ञानिक है, वो चीजों को खुद क्रिएट कर सकता है। तो जहां क्रिएट नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रीवियस नॉलेज, अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर चीजें नई क्रिएट कर सकता है, निष्कर्ष निकाल सकता है, इस तरह की कक्षा को क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट कहेंगे। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिविज्म कहेंगे एक्चुअली। तो ये रचनावादी कक्षा होती है जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा अपने खुद के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नई नई चीजें सीखते हैं। ठीक है, अगला है डायरेक्ट मेथड, अभी आपको बता चुके हैं, ऑडियो और लिंगुअल मेथड हो गया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये सभी डिस्कस हो चुके हैं। अगला देखिए क्या है, इज अ वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट्स। ऐसी कौन सी तकनीक है जब फैक्ट्स के बियॉन्ड आप चीजों को सोच पाते हैं, मतलब यहाँ पर है कि फैक्ट्स के बियॉन्ड, जो फैक्ट्स उस टाइम के हैं उसकी बात नहीं है, जो पुराने फैक्ट्स हैं उन पर आप चीजों को एस्टिमेशन कर पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं, तो इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। वही चीज जो अभी हमने आपको बताई थी, एक्स्ट्रापोलेशन इसका मतलब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन होता है किसी चीज की व्याख्या करना, एनालिसिस होता है दिए गए आंकड़ों पर, मतलब जो फैक्ट्स वर्तमान आपके हैं आप बियॉन्ड फैक्ट नहीं जा रहे हो, आप फैक्ट पे ही बात कर रहे हो, तो जब फैक्ट पे आप बात करते हो तो उसको एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है दिए हुए आंकड़ों का विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, तो वो एनालिसिस कहलाता है। इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस होता है किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, और वो कैसे, अपने लॉजिक का प्रयोग करके जब आप इन्फ्रेंस डिड्यूस, जब आप कोई निष्कर्ष निकालते हो तो वहां पर हम क्या कहते हैं, उस वर्ड के लिए इन्फ्रेंस यूज किया जाए। नेक्स्ट है, मिसिस शांति इज टेलिंग अ स्टोरी टू हर क्लास और स्टूडेंट्स आर साइलेंट आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टोरी। देखिए जो मिसेस शांति है वो अपनी कक्षा में स्टोरी पढ़ा रही है और स्टूडेंट्स आर साइलेंट, उनके जो स्टूडेंट हैं वो साइलेंट हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टोरी शी आस्क्स सम क्वेश्चंस, स्टोरी पूरा करने के बाद वो कुछ क्वेश्चंस पूछती है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स गिव करेक्ट आंसर, कुछ स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर देते हैं। सम रॉन्ग एंड द रेस्ट कीप क्वाइट, और कुछ गलत और कुछ तो शांति रहते हैं। Which of the following statement is not true about the student who gave wrong answer? जो बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं उनके बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, है ना? Is not true कहाँ पर लिखा है? Is not true कौन सा true नहीं है जो बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, और kept quiet और अथवा दो शांत हैं, उनके बारे में ये चार यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तीन सही होंगे और एक गलत होगा। चलिए पहले सही देख लें। They listened without understanding, उन्होंने बिना समझ के उस चीज को सुना है, जो स्टोरी वो सुना रही थी अध्यापिका उसको बिना समझ के सुना है। आप भी जानते होंगे ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ उन्होंने समझा नहीं होगा तभी वो आंसर नहीं कर पाए, वरना अगर आप समझ रहे हैं तो आप आंसर क्यों नहीं कर पाएंगे। अगला है, They listened attentively, उन्होंने attentively सुना होगा। चलिए अभी इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं। They were only hearing not listening, hearing और listening में आपको अंतर शायद पता होगा कि जब आप सिर्फ चीजों को सुनते हैं उसका मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो उसे हियरिंग बोलते हैं, लेकिन लिसनिंग का मतलब सबसे पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, जब व्हेन यू कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट और पर्टिकुलर पैसेज तब उस चीज को क्या कहते हैं, लिसनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया, यानी ये भी सही है। कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये तो ट्रू है, जिन्होंने गलत आंसर दिया है वो हियरिंग कर रहे थे नॉट लिसनिंग, तो ये सही बात है। ठीक है, दे लिसेंड, उन्होंने सुना अटेंटिवली एंड विद अंडरस्टैंडिंग, क्या ये बात सही है, उन्होंने अटेंटिवली सुना भी है और कैसे, विद अंडरस्टैंडिंग के साथ में। अगर अटेंटिवली सुना है और अंडरस्टैंड भी किया तो गलत आंसर क्यों किया, तो यानी कि यही हमारा इसका यही ट्रू नहीं है उनके बारे में जो गलत आंसर कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कहीं ना कहीं ये भी गड़बड़ तो था, दे लिसेंड अटेंटिवली, सिर्फ अटेंटिवली सुनने से जरूरी नहीं है कि वो उसके मतलब को भी समझ रहा हो। अटेंटिवली बहुत लोग सुनते हैं, बहुत बच्चे सुन रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो अर्थ को समझ रहे होते हैं। तो पूरा जो इसका होगा जाके अप्लाई वो ये वाला होगा जाके। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है,
The statements that describe the knowledge, skills, and attitudes that students should acquire by the end of a particular class or course come under. किसी भी कोई कक्षा पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर या अध्यापिका, तो उस पर्टिकुलर क्लास का पढ़ाने का वही वो कह रहा है नॉलेज, है ना, स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर, कि कोई छात्र क्या सीखेगा, क्या स्किल्स डेवलप होंगी उसके अंतर्गत, या किस नॉलेज की ओर वो क्लास उसको लेके जाएगा एक्वायर बाय द एंड ऑफ द पर्टिकुलर क्लास, किसी पर्टिकुलर क्लास के बाद. बच्चे एक टीचर होता है, जब भी अपनी कक्षा की लेसन प्लान बनाता है एक तरह से हम कह लें, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है. बिना उद्देश्य के अगर आप कुछ भी पढ़ाने जा रहे हो तो वो निरर्थक है, बच्चे के लिए भी और आपके लिए तो है ही. ठीक है, तो जब आप एक उद्देश्य लेके जाते हैं कक्षा पढ़ाते हैं, आप ये चाहते हैं जब हम कक्षा पढ़ा के निकले तो हमारे बच्चे में कम से कम ये क्वालिटीज डेवलप हो जाए. वो अलग बात है अगर सब में डेवलप नहीं भी होती है तो आप रिमेडियल टीचिंग भी करते हो, लेकिन कम से कम आप सोच के जाते हो कि मिनिमम हमारे ये लक्ष्य हैं जो हम इस क्लास के द्वारा बच्चों से प्राप्त करना चाह रहे हैं. तो इस तरह के लक्ष्यों को कहते हैं लर्निंग आउटकम. ठीक है, लर्निंग आउटकम कहते हैं. काफी क्वेश्चन इससे कई बार पूछे जा चुके हैं कि लर्निंग आउटकम क्या होता है. तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस किए, हमने कोशिश की आपको सरल तरीके से समझाने के लिए. ठीक है, इंग्लिश तो आपके सामने लिखी ही थी आपको, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमने हिंदी में बताने की कोशिश की ताकि सभी लोगों को समझ में आए चीज़ें, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हों. ठीक है, और इसी तरह से आपको क्लास सीटेट से रिलेटेड मिलते रहेंगे. अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.